ओके, नाउ लेट्स कम टू एनर्जी. छोटा सा टॉपिक, ये चैप्टर ही बहुत छोटा है, वर्क पावर एंड एनर्जी. अब एनर्जी के बारे में सुनिए. आपको पता है कि व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है. सबसे पहली एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी. मैं चाहूंगी कि ऑनलाइन वाले सभी बच्चे ज्यादा ध्यान से सुनेंगे ये वाले टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक इजी नहीं है. और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी. आप इसको सुनने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये इजी है, लेकिन वो तब जब आप सुन रहे होंगे. तो पोटेंशियल, 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 पोजिशन. किसी भी बॉडी में उसकी पोजिशन की वजह से जो एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. आप बोलोगे ये क्या बात बनी, ये क्या था? मैं बताती हूं. मेरे हाथ में एक रबर बैंड, मैंने इस रबर बैंड को खींच दिया, छोड़ा नहीं लेकिन सिर्फ खींचा है. जैसे ही छोड़ूंगी वर्क डन कर देगा. अब ये अपनी एनर्जी तब दिखाएगा जब मैं इसे छोड़ूंगी. तो ये स्ट्रेच रबर बैंड में पोटेंशियल एनर्जी है. एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजिशन. पोजिशन कैसी है? खींची हुई पोजिशन. छोड़ो तो ये उड़ के उधर जाएगा. हो गया वर्क डन, निकल आई एनर्जी. गॉट माय पॉइंट प्यारे बच्चों? तो स्ट्रेच रबर बैंड में पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जब मैं छोड़ दूंगी तो ये काइनेटिक हो जाएगा, मतलब ये हिल के दिखाएगा. पोटेंशियल एनर्जी में मूवमेंट नहीं होती. काइनेटिक का मतलब होता है काइनेटिज्म, और काइनेटिज्म का मतलब होता है मूवमेंट. प्यारे बच्चों क्लियर है सभी को? हां जी. यस मैम. बाकी जो बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं ना यहाँ पे मुंह पे पट्टी बांध के, रिस्पॉन्स कीजिए. विनती है. अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड हैज पोटेंशियल एनर्जी. ओके. स्प्रिंग, स्प्रिंग देखा आपने? आपके सोफे में भी लगे हुए हैं, बैठो, उठते तो ऐसे गद्दा बिल्कुल सीधा हो जाता है. ये तो नहीं कि गद्दा अंदर रह जाता है, आप उठ जाते वो साथ के साथ ऊपर हो गया. आपका मैट्रेस वो भी ऐसा ही है, आप गद्दे पर सो गए, जब आप उठे वो सारे स्प्रिंग्स ने उसको फिर से सीधा कर दिया. अब स्प्रिंग को स्ट्रेच तो नहीं करने वाली मैं, मुझे स्प्रिंग का वर्क डन चाहिए. स्प्रिंग को क्या करूंगी? कंप्रेस. स्ट्रेच रबर बैंड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी है. कंप्रेस्ड स्प्रिंग, इशिका समझ आ रहा है बेटा? एंड स्ट्रेच्ड रबर बैंड बोथ हैव पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज दे आर पोजेसिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन. रबर बैंड खींचा हुआ है इसीलिए उसमें एनर्जी है. स्प्रिंग दबा हुआ है, छोड़ा नहीं है मैंने अभी छोड़ा नहीं है. वर्क डन कर दूंगा जब मैं दबे हुए स्प्रिंग को छोड़ दूंगी तो डोंग करके दूस जाके गिरूं. दिस इज क्लियर? मार्कर गिर गया. ठीक है, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. तो एक बार आपने किसी चीज को उसके पोजीशन की वजह से खींच दिया या कंप्रेस कर दिया, वो होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन. पर पोटेंशियल, पर पोजिशन. The energy possessed by a body due to its position is called potential energy. Due to its position. ठीक है? अब आ जाओ kinetic. Kinetic का मतलब हो गया movement. Movement, मेरे पास stretched rubber band था, छोड़ दिया, हिल गया, kinetic हो गया. पानी, पानी को बांधते कब है हम? ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए. पानी को मैंने बांध दिया है. मैं किसकी बात कर रही हूं? डैम की. ठीक है, एक ग्लास पानी है मेरे पास, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है. काइनेटिक कब आएगा? जब मैं इसको किसी हाइट से गिराऊंगी. बंधे हुए पानी, जो डैम में पानी होता है जिसे पकड़ रखा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है. आप जरा डैम के वो वॉल्स खोलो और देखो कैसे बहकर निकलता है. अब बन गई प पोजिशन से बन गई काइनेटिज्म. तो रुकी हुई एनर्जी अब हिलने वाली एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्जन समझ में आ गई सभी को? तो पोटेंशियल एनर्जी मींस पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी मींस हलचल, मूवमेंट, हिलना डुलना, काइनेटिज्म. आप लोगों का जो टू व्हीलर है जिसका नाम है काइनेटिक,
है ना, फिर काइनेटिक और होंडा वालों का था ये, फिर काइनेटिक और होंडा वालों की लड़ाई हो गई, फिर होंडा अलग हो गया और काइनेटिक अलग हो गया, फिर काइनेटिक ने अपनी गाड़ियां निकाली, होंडा वालों ने अपनी गाड़ियां। कहने का मतलब ये कि पहले इसका नाम था काइनेटिक होंडा, और काइनेटिक वर्ड क्यों रखा था, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। फिर एक बाइक आई आप लोगों की, पल्सर। पल्सर आपको क्या लगता है कि ये शब्द कहां से आ रहे हैं? ये सब हमारे साइंस के शब्द। पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार को कहते हैं जो स्पेस में होता है, एक बुझा हुआ टूटा तारा जो अपने ही ऑर्बिट में तेज घूमने लग जाता है, और इतनी तेज घूमता है, इतनी तेज कि इंसान का दिमाग सोच नहीं सकता कि वो उसकी स्पिनिंग पावर कितनी है। स्पिनिंग इज वेरी फास्ट, इसीलिए स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, इतनी फास्ट कि उसमें से रेडियो वेव्स निकलने लग जाते हैं, कमाल है। और इस स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर कहते हैं, और पल्सर जिन्होंने बाइक बनाई इन्होंने अपने बाइक का नाम पल्सर रख दिया, जबकि पल्सर की असली, जो असली पल्सर है उसकी स्पीड को धरती पर तो आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अर्थ है, अर्थ से बड़े बड़े सितारे पल्सर बने हुए हैं ऊपर। नाम रखने का क्या है, जो मर्जी रख लो, है ना, ये चीज है। गॉट माय पॉइंट, क्लियर है? ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर किसी लड़की का नाम शांति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुप बैठने वाली है, ओके, लड़ाई करेगी वो बराबर का, ठीक है। तो बस नाम पल्सर है कि चलो सबको पता लगे पल्सर, लेकिन पल्सर पल्सर तो सारे लड़कों को, तो सभी को रट्टा पड़ा है ये नाम, लेकिन कितने को लोग ऐसे हैं जिनको ये बात मालूम है कि पल्सर इज अ साइंस वर्ड एंड इट द मीनिंग इज अ स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार। कितने लोगों को ये पता है कि काइनेटिक का नाम काइनेटिक इसीलिए है क्योंकि काइनेटिक मींस मूवमेंट। पोटेंशियल होंडा क्यों रखा उसका नाम, पोटेंशियल होंडा नाम होता तो मतलब रुका हुआ होंडा, काइनेटिक होंडा मींस चलता हुआ होंडा, इसीलिए नाम काइनेटिक होंडा, ठीक है। आपकी गाड़ी का नाम कोरोला, कोरोला पेटल्स को कहते हैं, कलर्ड। आधी से ज्यादा गाड़ियों के नाम तो हमारे साइंस के चुराए हुए हैं सभी। एनीवेज, चलो एनीवेज, इसी बहाने आपको साइंस के टर्म्स लर्न होंगे। काइनेटिक का मतलब है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। आप लोगों ने, सभी ने ये डेफिनेशन लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। पोजिशन के कारण जो एनर्जी उसके अंदर है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और मोशन के कारण जो एनर्जी किसी बॉडी में है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आई रिपीट द डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। याद रखना प्यारे बच्चों, खड़ा पानी बिल्कुल काम नहीं करता, वर्क डन नहीं करता, क्योंकि एनर्जी जीरो लग रही है उसमें, कुछ कर तो रहा नहीं। पानी खड़ा है, ग्लास में पड़ा है या डैम में पड़ा है, पड़ा है ना, कुछ काम नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। आप उसे गिराइए, ग्रेविटी के अंडर गिराइए पानी, उसे नीचे, धरती ने उस पानी को नीचे को खींचना है, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अब टर्बाइन घूमेंगे। गॉट माई पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी डज नो वर्क एक्चुअली, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। पोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स और लीजिए। मेरे हाथ में एक हथौड़ा है या हथौड़ी है और एक कील है, मैंने इस कील के ऊपर स्ट्राइक करना है, मैंने सिर्फ ऐसे किया हुआ है, जब तक मेरा हाथ ऐसे है इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही मैंने उस पर स्ट्राइक किया वर्क डन हो गया, काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल और दू प्यारा, सुनो, एक पत्थर है हिल के टॉप पे, टॉप पे अटका पड़ा है, बस गिरने ही वाला है, गिरने वाला है, कोई कोई बहुत बड़ा स्टोन है, बोल्डर है किसी पहाड़ी पे, और वो नीचे को अभी रोल करके आएगा, जब तक वो ऊपर है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो रोल करते हुए नीचे आएगा रोड की तरफ, ठीक है, तब इसका मतलब उसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अ मूविंग स्टोन इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, बट अ स्टोन एट द टॉप ऑफ द हिल हैज पोटेंशियल एनर्जी। अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अच्छा, एक एक एग्जांपल, अब मैं एक और एग्जांपल दे रही हूं, मुझे सोचकर बताना ये फिट है या नहीं। बो एंड एरो देखा है आपने, तीर कमान, अब मैंने क्या किया है, कमान को खींचा है, बताइए पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक है, खींच के रखा हुआ पोटेंशियल काइनेटिक कब आएगा, जब मैं तीर को रिलीज कर दूंगी, छोड़ दूंगी। क्लियर है ये सभी को प्यारे बच्चों, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए। शाबाश, तो सभी बच्चों को पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई। बेटा दो महारथी, कमाल के बड़े बड़े एनर्जी ये दो हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो छोटे छोटे हैं, वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। इसके अलावा कौन सी एनर्जीज हैं हमारे फिजिक्स में पोटेंशियल और काइनेटिक के अलावा, चलो जी बताइए। मस्कुलर एनर्जी,
हमारे एनर्जी ऑफ मसल्स, और कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, और साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी भी एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो हमें सूरज से मिल रही है, ठीक है, और कौन सी एनर्जी होती है बताओ कुछ, केमिकल एनर्जी, ये खत्म, ये टॉपिक ऊपर खत्म हो गया, हाँ इसको इसके अंडर मत लिख देना कहीं, एक मिनट मैं यहाँ पे इरेज कर दूं, नहीं तो तुम सोचोगे पता नहीं है उसके साथ है, हाँ जी ठीक है, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी, शाबाश, और जियोथर्मल एनर्जी, पानी की एनर्जी, जियोथर्मल धरती की एनर्जी, ओशन थर्मल पानी की एनर्जी, इसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी जीटीई, और ये है ओटीई, ओटीई मींस ओशन थर्मल एनर्जी, धरती की गर्मी, पानी की गर्मी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तकरीबन सारे हो गए, जैसे ही कोई और याद आएगा मैं आपको बताऊंगी, आप जरा ये नोट कीजिए, विंड एनर्जी, शाबाश, विंड एनर्जी भी ऐड करो इसमें, 12 नंबर, विंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ मूविंग टर्बाइन, चलती हवा से जो एनर्जी मिलती है, न्यूक्लियर हो गया,